सबसे पहला जो बयान है आज जब इलेक्शन की कवरेज हमने शुरू की थी तो आप ही का चलाया था, उस वक्त तो रुझान भी नहीं आए थे, सुबह 6:30 बजे की मैं बात बता रही हूँ, तब आपने कह दिया था ट्रेंड्स बता रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, उस वक्त आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी हुई थी शायद। नहीं, ट्रेंड्स नहीं कहा, वो एनआई ने मुझसे बयान लिया था। हाँ। और हमने कहा था कि जो माहौल है, जो ट्रेंड है वो बता रहा है, वो गिनती का ट्रेंड नहीं कहा था, हम जीतेंगे ये हमने जरूर कहा था। एनआई ने हमसे बयान लिया था, मैंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि 130 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, ट्रेंड तो शुरू में हमारे खिलाफ ही थे, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस हैं, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि हम चुनाव के मैदान में अपने कार्यकर्ताओं का जो सर्वे था, जो रिपोर्ट था, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें क्या शक है। तो हमने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 130 सीटें बताई थी, जब पूरे नतीजे होंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम और आगे बढ़ेंगे, अभी आपके स्क्रीन पर ज़रूर 113 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। जी, तो शाहनवाज जी, अब आपको लगता है कि अब स्टेज एकदम सेट है अगले लोकसभा चुनाव के लिए, आपके लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता है अब लोकसभा चुनाव थोड़ा जल्दी करा लेना चाहिए, माहौल बना हुआ है आपके पक्ष में? एक चीज मैं और बता दूं कि 2019 में भी हम पहले से ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे, कांग्रेस को 2024 की तैयारी करनी चाहिए। अब ये देश जो है ना, टीवी स्क्रीन पर नहीं, देश के लोगों के दिमाग में ये बात ट्रेंड कर रही है कि 2019 के लिए कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल इकट्ठा हो जाए, कितने जिनकी एक एमपी की पार्टी, दो एमपी की पार्टी, जिनके जीरो एमपी है वो पार्टियाँ, जो पार्टी बनी भी नहीं है, चुनाव आयोग ने जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसके भी नेता जो दावा करते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएं, तब भी देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ इकट्ठी है, एकजुट है। देश की जनता ने तय किया है कि हम ऐसे व्यक्ति को फिर से प्रधानमंत्री देंगे जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, जिसने 3.5 करोड़ घर में उज्ज्वला दिया है, जिसने 7 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, जिन्होंने करीब 18 करोड़ लोगों को जीवन रक्षा कवच दिया है, और जिन्होंने मकान का वादा किया है और मकान 1 करोड़ बनाए हैं। तो आज देखिए, लोग जो काम करेगा, हमें मौका मिला है तो 4 साल में हम लोगों ने काम करके दिखाया, शाहनवाज जी को मौका मिला तो गंवा दिया। शाहनवाज जी, हम एक जनता के लिए, गरीब के लिए काम करते हैं, आप अपने लिए काम करने लगते हैं। आमतौर पर जो बीजेपी की छवि है, काम करेंगे तो गरीब के दिल में जगह बनाएंगे। आमतौर पर गरीब को लगता है कि गरीबों का एक मसीहा है जो गरीब की चिंता करता। आज भी आजादी के इतने साल बाद कांग्रेस ने हुकूमत करने के बावजूद आज वो सत्ता से दूर क्यों है? क्योंकि जब मौका मिला तो आपने मौका गंवा दिया। नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला तो उस मौके को पूरा किया, और आज भी दिन रात बिना छुट्टी लिए हुए अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया हुआ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दो को बधाई होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर बूथ पर एक कमेटी बनाई, ट्वीट जो है बूथ अध्यक्ष की मीटिंग की, हर बूथ जीतो, देश जीतो, ये माहौल बना के चुनाव में गए। अमित शाह जी की मेहनत के जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता, और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व कोई नहीं दे सकता। जी जी जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि बीजेपी की छवि ये है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, प्रो हिंदू पार्टी है, और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। लेकिन इस बार कर्नाटक में हमने ये देखा कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहाँ पर भी बीजेपी आगे चल रही है, अच्छा। या जीत रही है, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में। बीजेपी का तर्जुमान शाहनवाज हुसैन है और बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, कैसे कह सकते हैं आप बीजेपी के प्रवक्ता से ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी? मैं तो आपकी छवि की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी छवि ऐसी है। मैं गया था कर्नाटका के हैदराबाद, कर्नाटका की तरफ, बीदर, अफजलपुर और गुलबर्गा की तरफ, जहाँ ख्वाजा बंदा नवाज साहब की दरगाह है, और वहाँ जो हमने रिस्पांस देखा, आप मेरा ट्वीट निकाल के देखिए, बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी थी, हज़ारों लोगों की हमने सभा की अकलियत के इलाके में। हर किसी को लगता है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चलने वाले हैं। इसी बार रमज़ान से, अभी रमज़ान आने वाला है,
नरेंद्र मोदी जी ने रमजान के मुबारक महीने का जिक्र मन की बात में किया। हम सबको लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी के चश्मे से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, उनको सब हिंदुस्तानी दिखते हैं। हम उज्ज्वला लाते हैं तो सबके लिए लाते हैं ना, हम कहते हैं कि ये मुस्लिम को मिलेगा या हिंदू को मिलेगा। हम अगर पेंशन बढ़ाते हैं तो सबके लिए बढ़ाते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने 7 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं तो उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज को आबादी से ज़्यादा मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को इतना गरीब कर दिया कि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो जो भी योजना नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं गरीब के लिए, उसका बहुत बड़ा फायदा दलित समाज को होता है, पिछड़ों को होता है। कर्नाटक के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और 2019 के चुनाव प्रचार में समय है। नरेंद्र मोदी जी की किस्मत में है कि इनकी किस्मत संवारे, तो नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिली है तो अपने कलम से उनकी तकदीर लिख रहे हैं, तस्वीर बदल रहे हैं। विजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। विजय जी आपको बहुत बहुत बधाई, अच्छी सुबह रही आपकी कर्नाटक में। आप 130, आपके अध्यक्ष कह रहे थे 130 सीटें जीतेंगे, पर अभी 111 पर आप आगे हैं, लेकिन सरकार आप अपने दम पर ऐसा लग रहा है कि आप बना लेंगे। लग नहीं रहा है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू से इस विश्वास को व्यक्त किया था और वो विश्वास कर्नाटक की जनता के कारण था। सबसे बड़ी बात यह है कि दीवार पर जो लिखा हुआ है कि लोग आज डेवलपमेंट को, लोग आज विकास को पसंद कर रहे हैं, लोग नए विजन को पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज हमारे लिए काम नहीं कर रहे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही कर्नाटक की जनता ने भी देखा कि सारे देश के अंदर, जो सब राज्यों के अंदर मोदी जी का विकास रथ घूम रहा है, तो क्यों ना कर्नाटक के अंदर भी घूमे। तो लोगों ने मोदी जी पर भरोसा जिताया है, मोदी जी के विचारों पे भरोसा जिताया है और मोदी जी के विकासों पे भरोसा दिलाया है। तो ये बात मीडिया को और विपक्षी पार्टियों को समझ नहीं आ रही थी, पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली दिन कह दिया था कि हम अपनी ताकत पर, अपने बहुमत से सरकार को बनाएंगे। अच्छा विजय गोयल साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, लेकिन चेहरा तो येदियुरप्पा थे वहां पर, उन पर भरोसा नहीं जताया है? देखिए, ये कभी भी नहीं होता, ये टीम वर्क होता है और इस टीम के नायक हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी। उसके बाद वो अपने टीम के मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं तो कंबाइंड के अंदर जाता है। हर स्टेज के ऊपर जहां मोदी थे वहां येदियुरप्पा जी भी थे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस ने अपनी सारी राजनीति करके देख ली, जाति की राजनीति करी लिंगायतों के ऊपर, अब शब्दों का इस्तेमाल किया, मनमोहन सिंह जी को भी मैदान में उतार दिया ये कहने के लिए कि वो नरेंद्र मोदी जी पर वार करें, सोनिया गांधी जी तक को उतारा, पर उन्होंने एक चीज़ नहीं देखी। अगर आपकी सरकार ने 5 साल विकास के काम किए नहीं और केवल भ्रष्टाचार किया तो जनता तो फिर आपको सत्ता से उतार ही देगी ना। जी विजय जी, एक सवाल आपसे ये है कि अब सब बढ़िया चल रहा है, आपने बता दिया कि देश में आपकी लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव पहले करा लेना चाहिए? मान लीजिए इस साल के अंत तक आपके लिए माहौल बढ़िया है तो पहले भी हो सकता है? देखिए, मोदी जी की सरकार को 4 साल हो गए हैं और हर समय उनका माहौल अच्छा था, क्योंकि इन 4 सालों में इस देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चुनाव होता रहता है और लगभग वो चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं समझता हूँ जल्दी चुनावों की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है, लोग लगातार काम पसंद कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। जी राहुल गांधी के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं नहीं, राहुल जी को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, सीखने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें तो फिर कुछ बात कभी जाकर बनेगी। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।